मध्य प्रदेश के मंदसौर में माता जी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर न सिर्फ ये आस्था का केंद्र है बल्कि यहां पर लकवा पैरालिसिस से पीड़ित हजारों श्रद्धालु आते हैं और माता जी की कृपा से ठीक होकर जाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि एक लकड़हारा वन काट रहा था तभी एक पेड़ से दूध की धारा बह निकली और माता जी वहां पर प्रकट हुई, तभी से इस स्थान का नाम दूधाखेड़ी माता जी पड़ गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा से गरौठ रोड पर दूधाखेड़ी माता जी का यह दिव्य मंदिर स्थित है जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माता पंचमुखी रूप में विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। मराठा काल में लोकमाता अहिल्याबाई ने धर्मशाला बनवाई। कोटा के मुहासेबाला झाला जालिम सिंह की यह आराध्य देवी रही। इन्होंने यहाँ धर्मशाला व ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लकवा बीमारी से पीड़ित यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जाते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट का निवारण होता है। बलि प्रथा भी थी लेकिन 40 वर्ष पूर्व आकाश से बिजली गिरने से हुए चमत्कार के कारण प्रचलित बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई और उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। दोनों नवरात्रि में मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मालवा अंचल का यह बेजोड़ स्थल है। दूधाखेड़ी माता जी भानपुरा से 12 किलोमीटर दूर और गरोट से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता जी के नौ रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती है। दूधाखेड़ी माता मंदिर का इतिहास यह है कि नवरात्रा में दूधाखेड़ी माता भक्त को गुप्त रूप में आके दर्शन देती हैं और दुखियों का दुख भी काटती हैं, सारे मनोकामना पूर्ण करती हैं। नौ दिनों में माता रानी यहाँ पे विराजमान रहती हैं और ये हैं शक्तिपीठी दुर्गा नव दुर्गा अष्ट देवी है। ये अपना काम खुद करती हैं, दूसरे से नहीं करवाती हैं। ये इसकी यही परंपरा है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है केशरनाथ, पिता शिवनाथ। 13वीं सदी पीढ़ी से पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं यहाँ पे और अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से भक्त आते हैं? यहाँ पे जो लकवा पीड़ित वाले भक्त अधिकतर आते हैं
उसको जल्द से जल्द ठीक करती है माता रानी। सिर्फ यहाँ पे इसके चरणामृत और बबूत और परिक्रमा से ही लोगों को ठीक करती है माता रानी। और आरती में शाम सुबह आरती में खड़ा रहते हैं, आरती का लाभ लेते हैं, उसी से दुखी लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसे हर एक प्रकार के दुखी लोग आते हैं, कोई घर की पीड़ा है, कोई मैं भानपुरा से आई हूँ और दुदाखेड़ी माता जी का जो मंदिर है यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से लकवाग्रस्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसको यहाँ से वो बिल्कुल स्वस्थ होकर जाता है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तगण यहाँ पर आए और अपनी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए। मैं यहाँ पर 5-7 वर्षों से आ रही हूँ। बहुत ही चमत्कारी स्थान है। मैं पिछले ठीक मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ 36 साल की उम्र है मेरी, तब से हर साल हर नवरात्रि में आता हूँ हमेशा। और माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी के पास सब कुछ बढ़िया है। मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है और नवीन मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है और सब बढ़िया है। माता रानी की सभी पे दुखियों पे कृपा अच्छी है, लफा वाले सभी। इंदौर की महारानी अहिल्या देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि होलकर स्टेट की महारानी देवी अहिल्या जब अंग्रेजों से परस्त होने लगी थी, होलकर स्टेट की सेना हार रही थी, तभी देवी अहिल्या ने दूधाखेड़ी माता जी आकर माथा टेका। माता जी ने स्वयं उन्हें खड़ा तलवार भेंट की। इसके बाद होलकर स्टेट की सेना ने अंग्रेजों को कोलकाता में जाकर हरा दिया। नवरात्रि में शासन प्रशासन यहाँ तमाम बंदोबस्त करता है। शासन के अवसर भी माँ की आराधना कर मंगल कामना करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दूधाखेड़ी माता जी पे नवरात्रि में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। भारत के लगभग बहुत सारे जो प्रांत हैं वहाँ से लोगों का बहुत ज़्यादा आवागमन यहाँ रहता है। यहाँ के बारे में मान्यता है, लोगों के आध्यात्मिक मान्यता है कि यहाँ आने से जो है लकवे और ऐसी कई तरह की जो बीमारियाँ हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ करीबन 400-500-600 लोग जो मरीज होते हैं वो लगातार यहाँ रहते हैं, जिनके लिए हमने प्रतिदिन सुबह शाम बरसों से भंडारा आयोजित करते हैं, उनको खाने की पूरी सुविधा यहाँ पे दी हुई है। अभी जो 9 दिन का ये जो नवरात्रि का पूरा चलेगा, इसमें इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की जो है संभावना है। इसके लिए हमने इस बार सुरक्षा की दृष्टि से जो हमें वरिष्ठों द्वारा निर्देश दिए गए थे, तो अलग अलग बैरिकेडिंग में महिला पुरुषों को बाहर से ही हम लेके आ रहे हैं और एक तरफ से पूरा उनको निकाल के पूरा छाया में दूसरी तरफ निकाल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ सुरक्षा गार्ड भी रखे हैं, अतिरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात किया है, हमारी पूरी पुलिस फोर्स भी है, पटवारी कोटवार सब लगे हुए हैं। दूधाखेड़ी माता जी का यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ नवरात्रि के अवसर पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्सवों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पूरे देश से माँ भगवती के असंख्य भक्तजन परिवार सहित दर्शनार्थ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, मंदसौर।